जी तो नाज़रीन, नीरज चोपड़ा व मुकाबला अरशद नदीम, पाकिस्तान के एथलीट आज मुकाबला करेंगे 11:15 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और भारत के वक्त के मुताबिक आज मुकाबला होगा 11:15 पर। ज़बरदस्त मुकाबला होगा, फाइनल की दौड़ है, ओलंपिक 2024 की दौड़ है, एथलीट्स की दौड़ है, कौन कितना दूर नेजा फेंकेगा ये फैसला आज होगा। लेकिन अरशद नदीम और उनकी कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ हैं, इसी के साथ नीरज चोपड़ा और अभी नीरज चोपड़ा की कौम की दुआएं उनके साथ हैं। नीरज चोपड़ा के कोच और उनके जो टीम मेंबर्स वगैरह वो सब कह रहे हैं नीरज चोपड़ा बड़े फिट हैं, इन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, मेंटली और हेल्थी जो दोनों तरफ से फिट हैं। और अरशद नदीम के जो कोच हजरात हैं वो ये कह रहे हैं और टीम मैनेजमेंट ये कह रही है कि अरशद नदीम बड़े फिट नज़र आ रहे हैं, अरशद नदीम मेंटली तौर पर बड़े फिट हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा तो थोड़ा सा एज आए, क्योंकि नीरज चोपड़ा पहले भी ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं और पहले भी नीरज चोपड़ा टाइटल जीत चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए अभी पर अरशद नदीम की, तो अरशद नदीम ने छोटे बड़े बहुत से टाइटल जीते हैं, लेकिन ओलंपिक में पहली दफ़ा वो इतना बड़ा टाइटल जीतने जा रहे हैं। और अरशद नदीम को जीतने के लिए 90 मीटर से ज़्यादा का मेज़ा फेंकना पड़ेगा। अब फैसला होगा 11:15 पर, कौन बनेगा 2024 ओलंपिक का सिकंदर। तमाम उम्मीदवारों की टीम थी और उनकी कोच हजरात की दुआएं उनके साथ हैं, हमारे साथ दिख रही है कि हम आपको बताएंगे कौन बनेगा चैंपियन।